हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। दोस्तों तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 41। तो इससे पहले 40 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं इस सीरीज के। तो जिस भी कैंडिडेट ने पिछले 40 टेस्ट नहीं देखे देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप उन सभी टेस्टों को कवर कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 41। सभी भर्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं और सभी कैंडिडेट्स जो कि आईटी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, या कोई वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिशियन बेस पे उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एक चार ध्रुव या चार पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर है जो कि 1455 आरपीएम पर घूम रहा है, तो मोटर की जो स्लिप गति है वो कितनी है? बताइए कौन सा आंसर होगा, 45 आरपीएम या 1000 आरपीएम या 1455 आरपीएम या 1500 आरपीएम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक चार पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर है या इंडक्शन मोटर है जिसकी स्पीड कितनी है 1455 आरपीएम यानी राउंड प्रति मिनट, तो आपको उसकी स्लिप गति बतानी है। बताइए जिसको भी आंसर पता है या निकालना आता है। तो दोस्तों इसका एक सूत्र होता है एन एस बराबर में एफ गुणा में 120 बटा में हो जाएगा पी रख दीजिए, यानी सिक्रोन स्पीड। एन एस का मतलब हो गया सिक्रोन स्पीड, इसकी वास्तविक गति या तुल्यकालिक गति निकालनी है हमें। तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है 50 गुणा में लिख दीजिए 120, पोल्स कितने हैं चार तो चार को काट दीजिए 30, हाँ 30 आ गया। 30 को 50 से गुणा करना होगा 1500 आरपीएम, आरपीएम ये इसकी आ गई वास्तविक स्पीड। अब पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखना, स्लिप गति यानी इसकी जो हानि हुई है गति की वो कितनी है इसके अंदर, तो रख दीजिए वास्तविक स्पीड आनी चाहिए थी इसके अनुसार जो इसकी रेटिंग है, या चार पोल है इसके अंदर 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है, तो आपको निकालना है। आपने निकाल लिया 1500 आरपीएम इसकी वास्तविक स्पीड है या तुल्यकालिक स्पीड है, घूम कितने पर रही है 1455 पर, तो माइनस कर दीजिए 1500 माइनस 1455 तो कितना आएगा 45 आरपीएम, यानी 45 राउंड प्रति मिनट की हमें हानि हो रही है, यानी उतने चक्कर कम काट रही है ये मोटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। समझे आगे होगा आप सी को। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दो नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब आ जाती है प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर की जो कुंडली हेतु स्टेटर होता है वो किस धातु का बनाया जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है, कार्बन का या स्टेनलेस स्टील का या सिलिकॉन स्टील यानी लेमिनेशन का या लेमिनेटेड का या तामर लेमिनेशन का यानी तांबे से लेमिनेटेड का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, बार बार एग्जाम से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडक्शन मोटर की कुंडली हेतु जो स्टेटर होता है, रोटर होता है जो घूमने वाला भाग, स्टेटर होता है जो स्थिर रहता है भाग, तो वह किस धातु का बनाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी सिलिकन स्टील लेमिनेटेड का या लेमिनेटेड सिलिकन स्टील का। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों तीन नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा। अब बात आती है जेम्स जूल के प्रयोगों के अनुसार, यानी जेम्स जूल है उसके प्रयोगों के अनुसार किसी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है वो किसके क्या होती है, यानी धारा के समानुपाती होती है या धारा के वर्ग के समानुपाती होती है या समय के विलोमानुपाती होती है यानी उल्टा, या प्रतिरोध के वर्ग के समानुपाती होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्या होगा। जेम्स जूल के प्रयोगों के अनुसार कोई भी धारावाही चालक है जिसमें से धारा प्रवाहित की जा सकती है, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा होगी, जैसे मान लीजिए मोटर का आप उदाहरण ले लीजिए, तो उसके अंदर ऊष्मा भी उत्पन्न होती है जब वो चलती है, या उसके अंदर से गर्म भी होती है वाइंडिंग उसकी, तो आपको बताना है वो किसके समान अनुपाती होती है या व्युत क्रमानुपाती होती है, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमेशा धारा के वर्ग के समान अनुपाती होती है, उसमें जो पैदा होने वाली ऊष्मा होती है वो, यानी धारावाही चालक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी वो हमेशा धारा के वर्ग के यानी धारा की स्क्वेयर हो जाएगी, उसके समानुपाती होती है हमेशा।
अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर, इसके आंसर तो क्या होगा। अब आ जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी धातु शोधन, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना, तो उसकी प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है दोस्तों, विद्युत धारा की मात्रा पर या वायु दाब पर या तापक्रम पर यानी टेम्परेचर पर या वस्तु के आकार पर या उसकी प्रकृति पर, मान लीजिए कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विद्युत धारा की मात्रा पर करती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर, विद्युत धारा की जितनी मात्रा होगी उसके ऊपर। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर सबसे कम प्रतिरोध वाला लैंप कौन सा होगा, तो ये लैंप दे रखे हैं, एक है 100 वाट 200 वोल्ट पर चलने वाला, एक है 200 वाट 200 वोल्ट पर चलने वाला, एक है 300 वाट 200 वोल्ट पर चलने वाला, एक है 400 वाट 200 वोल्ट पर चलने वाला, तो आपको बताना है सबसे कम प्रतिरोध कौन से लैंप का होगा इन चारों में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चक्कर में पड़ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कैंडिडेट्स, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कमरे के तापमान पर सबसे कम प्रतिरोध वाला, यानी ये 4 प्रकार के लैंप दे रखे हैं, इनमें से सबसे कम रेजिस्टेंस कौन से लैंप का होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले कुछ लोगों का सवाल है ए, कुछ का डी, तो सबसे पहले ये निकाल के देखते हैं पावर कितनी देर की है, 100 वाट, और वोल्टेज कितनी देर की है, 200, तो निकाल दीजिए, यानी धारा निकालनी है I बराबर P/V, यानी 100/2 हो जाएगा 200, 20 से 20 काटा आ गया 0.5 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकाल लीजिए R बराबर में हो जाएगा V/I, यानी वोल्टेज कितनी है 200, धारा कितनी है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का आप अगर 200 में भाग देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 400 ओम, समझ में आ गया। अब दूसरे वाला करके देखते हैं, लास्ट वाला यानी बीच वाले छोड़ दीजिए, यानी सबसे कम सबसे ज़्यादा देख लीजिए पता चल जाएगा, तो डी है सबसे ज़्यादा, तो इसके अंदर 400 रख दीजिए, यानी पावर कितनी देर की है 400, और आई निकालना है हमें, आई बराबर P/V होता है, तो वोल्टेज कितनी है 200, 20 से 20 काटा, 4 में 2 का भाग दिया 2 एम्पियर इसकी धारा आ गई। रेजिस्टेंस निकालना है आर बराबर में V/I, वोल्टेज कितनी थी 200, 200 में 2 का भाग दे दिया, कितना आया सिर्फ 100 ओम रेजिस्टेंस। तो अब बताइए कौन से लैंप का रेजिस्टेंस सबसे कम है, 100 वाट वाले का या 400 वाट वाले का, समझे आगे होगा आपसी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा आपको याद रखना है समान वोल्टेज सप्लाई हो और जिनके वाटेज सबसे ज्यादा हो उसी का रेजिस्टेंस हमेशा सबसे कम होता है, जिनकी वाटेज सबसे कम होती है उसका रेजिस्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे ज्यादा वाटेज किसकी है 400 वाट, 200 वोल्ट इसकी सप्लाई है, समझे आगे होगा आपसी को। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर क्या होगा। अब आ जाती है 100 ओम के 100 प्रतिरोध या 100 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं, तो संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा या कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम या 100 ओम या 10,000 ओम या 1/100 ओम, यानी डी ऑप्शन है, इसको 1/100 ओम भी मान सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए, जल्दी से बताइए। सौ ओम के 100 प्रतिरोध या रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो संयोजन या कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 1/R1 R2 या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार से जोड़े जाते हैं, तो आप रख दीजिए यानी लघुतम ले लीजिए सभी का 100 आ जाएगा, क्योंकि समान है सभी के, तो 100 का 1 में भाग देने पर 1 आता है हमेशा, तो इस प्रकार से कितने रेजिस्टेंस है तो 100 है, तो 100 का 100 लिख दीजिए ऊपर, यानी 100 ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए 100 प्रतिरोध जोड़े गए हैं 100 ओम की, तो अब लिख दीजिए 100/100, 20 से 20 काटा, 1 को 1 से काटा, यानी 1 आंसर आ जाएगा इसका, 1 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है समांतर क्रम में, अपने आप आंसर निकाल पाओगे,
हमेशा आप क्या करना, जो सबसे छोटे मान का प्रतिरोध होगा समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जितने भी प्रतिरोध होंगे तो सबसे छोटे मान के प्रतिरोध से भी कम उसका टोटल रेजिस्टेंस आएगा। यानी सबसे कम मान का रेजिस्टेंस यही है, सबसे ज़्यादा का भी यही है 100 ओम, तो इसका आंसर कितना आया 1 ओम। तो हमेशा इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आता आंसर कभी भी। जैसे मान लो 10,000 नहीं आ सकता और वह सेम भी नहीं आ सकता, बी भी ऑप्शन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 100 वाट 200 वोल्ट लैंप के लिए प्रतिरोध का मान बताइए क्या होगा, जल्दी से। रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 ओम या 200 ओम या 100 ओम या 400 ओम, बताइए कौन सा आंसर होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था इस टाइप से ये क्वेश्चन करके, बताइए रेजिस्टेंस क्या होगा। टाइप कर दीजिए जैसा भी आता है जिसको। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, मैंने आपको बताया था, PIV यानी त्रिभुज बना लीजिए तो अपने आप समझ आ जाएगा। I धारा निकालनी, सबसे पहले P/V हो जाएगा, पावर कितनी दे रखी है 100, वोल्टेज कितनी दे रखी है 200, 100 में 200 का भाग देंगे 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालना है, R बराबर में हो जाएगा V/I, ये होता है VIR। इस टाइप से इसका इस तरह से त्रिभुज बना लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। धारा निकालनी है तो V/R, रेजिस्टेंस निकालना है V/I, वोल्टेज निकालनी है I/R। समझे आगे होगा आपसी को, यानी V/R यहाँ पे ये सूत्र लग जाएगा। वोल्टेज कितनी दे रखी है 200, रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी धारा कितनी है, यहाँ पे I हो जाएगा, धारा 0.5, 0.5 का 200 में भाग दोगे तो दुगना हो जाएगा 400 ओम। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, डी। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। निकल कैडमियम सेल होता है, उसमें अपघटक कौन सा होता है दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का या अमोनियम क्लोराइड का या सोडियम क्लोराइड का विलयन या उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। टाइप कर दीजिए, निकल कैडमियम सेल में अपघटक कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हमेशा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से टाइप कर दीजिए। प्रयोगशाला में मापन यंत्र होते हैं तो उनके कैलिब्रेशन के लिए उसमें स्टैंडर्ड सेल की भांति प्रयुक्त किया जाने वाला सेल कौन सा होता है, यानी कौन सी बैटरी होती है, सूचक सेल, लेक्रांचि सेल, एडिशन सेल या मर्करी कैडमियम सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में मापन यंत्रों के कैलिब्रेशन के लिए या उसमें स्टैंडर्ड सेल की भांति प्रयुक्त किया जाने वाला सेल कौन सा होता है, कौन सा सेल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लेक्रांचि सेल का उपयोग किया जाता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हेतु आवश्यक विद्युत सप्लाई बताइए, प्रत्यावर्ती धारा या नियमन आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा या उच्च आवर्ती की प्रत्यावर्ती धारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी धातु शोधन हेतु आवश्यक विद्युत सप्लाई के बारे में पूछा गया है, कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दिष्ट धारा होती है, DC। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसका आंसर था क्या होगा। प्रतिरोध का ताप गुणांक का मात्रक कौन सा होता है, जल्दी से बता दीजिए। प्रतिरोध का ताप गुणांक का मात्रक कौन सा होता है, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस, ओम मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस, महो प्रति डिग्री सेल्सियस या महो मीटर प्रति डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ओम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, ओम प्रति डिग्री सेल्सियस। ये किसका मात्रक है, प्रतिरोध ताप गुणांक का, ताप गुणांक का क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, प्रतिरोध का ओम। समझ आ गया होगा आपसी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके आंसर तो क्या होगा। ये कुछ इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अपने आप समझ आ जाएगा। नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध, कोई नाइक्रोम का तार है उसके प्रतिरोध कितना है, 1 ओम प्रति मीटर, यानी 1 ओम प्रति मीटर उसका रजिस्टेंस है। तो आपको बताना है 1000 वाट का एक नाइक्रोम का, मान लीजिए कुछ हीटर मान लीजिए या इमर्जन रोड जो कि 200 वोल्ट पर कार्य करती है, तो हीटर के फिलामेंट को बनाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई क्या होगी, यानी तार की लंबाई कितनी चाहिए हमको बताइए।
उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम प्रति मीटर, यानी 1 मीटर तार के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस होता है, 10 मीटर तार के अंदर कितना होगा, 10 ओम रेजिस्टेंस। तो आपको बताना है जल्दी से कौन सा आंसर होगा, यानी कितना तार लगेगा इसमें। तो दोस्तों इसमें वही सूत्र लग जाएगा, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस निकालोगे तो उतना ही तार लगेगा, यानी 1 ओम रेजिस्टेंस होगा तो 1 मीटर तार होगा, 100 ओम रेजिस्टेंस होगा तो 100 मीटर तार होगा। तो चलिए निकालते हैं, आई बराबर में हो जाएगा पी बटे वी, यानी पी कितनी है पावर, 1000 वाट, और वी कितना है 200, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, फिर 10 में 2 का भाग दिया, 5 एम्पियर आ गया। रजिस्टेंस निकालना है आर बराबर में वी बटे आई, और वोल्टेज कितनी है 200, 200 में 5 का भाग दिया, 40 ओम आंसर आ गया। समझे आगे होगा आपसी को, यानी 40 ओम आ गया, 200 में अगर आप 5 का भाग देते हैं तो कितना आता है 40 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 ओम बराबर 1 मीटर है, तो इसका मतलब 40 ओम बराबर 40 मीटर तार हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला हमारे क्वेश्चन 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पावर स्टेशनों में प्रयुक्त स्टोरेज बैटरी सामान्यतः होती है लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पावर स्टेशनों में प्रयुक्त स्टोरेज बैटरी सामान्यतः कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लेड एसिड बैटरी होती है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है, सीसा संचायक बैटरी। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट नहीं देख पाओगे एक साथ, चलिए बता देता हूँ। किसी संट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा उल्टा कर दिया जाता है, यानी जो सप्लाई टर्मिनल्स होते हैं उनको उल्टा कर दिया है, तो मोटर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह डीसी जनरेटर की तरह चलेगी, या यह उल्टी दिशा में चलने लगेगी, या यह रुक जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डीसी मोटर है या डीसी संट मोटर है, तो उसके जो सप्लाई टर्मिनल्स हैं उसको बदल दिया है, यानी एक साइड दूसरी साइड में लगा दिया है, तो मोटर के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये पूछा गया है, क्या यह डीसी जनरेटर की तरह चलेगी, या उल्टी दिशा में चलेगी, या यह रुक जाएगी, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को बताओगे लगभग, कुछ कंडर से गलत कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सप्लाई टर्मिनल्स को बदला गया है, उसके आर्मेचर और संट के सिरों को नहीं बदला गया है आपस में। तो यहाँ पे देखिए उसके जो सप्लाई टर्मिनल्स हैं जो दो होते हैं फेज और न्यूट्रल मान लीजिए, तो उनको बदला है आपस में, तो उसका मोटर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आर्मेचर के सिरे बदले होते, यानी आर्मेचर का सिरा आपस में बदल दिए होते, या जो संट है उसके सिरे बदल दिए होते, तो भी मोटर उल्टी दिशा में घूमने लगती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझे आगे होगा आप सभी को। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक प्रकार से साइंस का क्वेश्चन है। पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है, किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है पीजोमीटर का उपयोग, संरचनाओं में विकृति के लिए, या अति निम्न दाब के लिए यानी वेरी लो प्रेशर, या अति उच्च दाब के लिए वेरी हाई प्रेशर, या क्षरण प्रतिघात के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है पीजोमीटर का उपयोग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी वेरी हाई प्रेशर, अति उच्च दाब को मापने के लिए, जो गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं इनके अंदर हवा जो चेक की जाती है वो पीजोमीटर के द्वारा ही की जाती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों। समझे आगे होगा आपसी को, देखा होगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी को आज का ये टेस्ट अच्छा लगा प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जितने कंडेस्ट ने देखा है सभी लाइक करते नहीं है, पता नहीं उनको पसंद नहीं आता होगा, चलिए कोई बात नहीं, लाइक करते हैं तो अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन जिन कंडेस्ट को अच्छा लगा है प्लीज़। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद आप सभी का इस टेस्ट को देखने के लिए, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे। अज्जू एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे, और साथ में हम जल्द ही आप सभी के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट बता दूंगा कब तक करेंगे, और साथ में ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ नई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ वगैरह मैं उसमें डालता हूँ। अज्जू एजुकेशन
टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, उसको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्चिंग बॉक्स में टेलीग्राम के अंदर जाकर वहाँ पे अज्जू एजुकेशन लिखेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, आपसे करिन शुभ्रे, जय हिंद, वंदे मातरम और हैप्पी दिवाली एडवांस में आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों को।